हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं कि इसमें आखिर गोल्ड क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगा होता है सबसे ज़्यादा, और इस पे मतलब कि ये गोल्ड का फायदा क्या होता है। तो चलिए इसी विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि ऐसे देखिए, ये लैपटॉप को मैं खोल रखा हूँ और ये थोड़ा सा बीमार है, इसलिए मैंने इसको खोला था। तो मैं सोचा कि चलिए इस विषय में मैं आप लोगों के साथ जो जानकारी है वो शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कि एक ये जो रैम है, रैम सेक्शन है, ये कूलिंग सेक्शन है जहाँ पर फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये मेन आईसी है जो सारे पावर को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर है प्रोसेसर। तो पहले के जो कंप्यूटर आया करते थे लैपटॉप, उसमें गोल्ड का मात्रा बहुत ज़्यादा होया करता था। पर अब का जो कंप्यूटर है लैपटॉप, उसमें जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो देखिए, जैसे प्रोसेसर आप इसे ओपन कीजिएगा, यहाँ से मैं उठाता हूँ, उसे साइड में रखता हूँ। उसके बाद में जब प्रोसेसर को मैं ओपन करता हूँ, तो इसे जब ओपन की उठाइएगा तो इसके नीचे देखिए, तो ये देख रहे हैं आप जो चमक रहा है, आपको साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये होता है इसके नीचे लगा हुआ ये सोना। तो ये सोना प्योर सोना नहीं होता, पूरी तरह से सोना नहीं होता, मतलब होता है, ऐसे नहीं कहूँगा कि सोना नहीं होता, होता है, पर इसमें थोड़ा कॉपर और हार्ड करके मिलाया जाता है, मिक्स होता है, ये पूरा तरह से प्योर सोना नहीं। पर हाँ, कुछ ज्वेलरीज ऐसे होते हैं जो सोनार होते हैं, वो इससे सोना निकाल सकते हैं, बहुत कम निकलता है। लेकिन जी इसका कीमत देखिए, तो इसका कीमत यदि 6-7 हज़ार रुपये का प्रोसेसर है, i3 का है, तो फिर इसके जगह पे ये जो सोना है वो काफ़ी कम है, तो उसके अनुसार बहुत कम निकलता है। पर देखिए, अब बात करते हैं कि क्यों लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पे गोल्ड लगाने के कारण होता है कि सबसे पहले जो विद्युत का, जो इलेक्ट्रिकल का जो सुचालक होता है, जो सबसे बढ़िया प्रभाव होता है, सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से जाता है, वो होता है सोना में। सबसे ज़्यादा तेजी से सप्लाई सोना में प्रभावित होता है। उसके बाद में होता है सिल्वर, चांदी में। उसके बाद होता है कॉपर में। उसके बाद होता है एल्युमिनियम में। उसके बाद होता है लोहा में। तो सबसे बेकार सप्लाई जो होता है वो लोहा में होता है, और सबसे बढ़िया सप्लाई जो प्रोवाइड होता है ये होता है गोल्ड में। तो यहाँ पर बारीक बारीक पीने होता है, प्रोसेसर होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसमें जो सप्लाई की मात्राएं होती है, टूटे ना, प्रॉब्लम ना आए किसी तरीके से, इसलिए इस पे सोने का पानी या फिर सोने को मिक्स करके बनाया जाता है। कुछ ऐसे ब्रांडेड कंपनियां, बड़ी महंगी कंपनियां जो प्योर सोना, पूरा सोना का ही बनाती है, यहाँ पे लगे हुए बारीक तार जो होते हैं वो सिल्वर के या गोल्ड मिक्स करके बनाते हैं, जो इसके अंदर बारीक तारें होती हैं, इसलिए वो प्लेटें काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए वो फास्ट काम करती है। जो सस्ती कंपनियाँ होती है, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में आती हैं, वो सब में यहाँ पर मिक्स होता है सही से, ये सब का जो तारे होती हैं वो बेकार क्वालिटी की तारे बनी होती है, उसमें सोना चांदी या फिर कुछ भी मिक्स नहीं होता, इसलिए उस पर सही से काम नहीं करता, जल्दी सड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले के तो जैसे कि रैम है, तो रैम में भी आया करता था, जैसे अभी नया रैम आप लीजिएगा, तो जो इसमें आप देखते होंगे कि ये देखिए, देखते होंगे कि ये चमक रहा है इस पर, तो इसके ऊपर भी सोना का नहीं पिन बना होता है, क्योंकि गोल्ड का पानी होता है, जो पानी आप लोगों को पता होगा कि पानी चढ़ाया जाता है, एक स्प्रे किया जाता है हल्का सा, ताकि इसका जो पॉइंट है सही से ज्वाइंट हो और बढ़िया से काम करे। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने लैपटॉप पर ऐसा मत कीजिएगा। लैपटॉप में सोना होने का कारण यह है कि ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा सोना प्रोसेसर में होता है, और प्रोसेसर बढ़िया से काम करे, अच्छी तरह से काम करे, इसके पावर सप्लाई में करंट आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सोना को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।